हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसिस। माधव ड्रेसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, हम जीरो और एक नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। और देखिए, ये चौकोर पीस कट करके हमने इस ड्रेस को बनाया है। आपके पास जो भी बचे हुए छोटे छोटे पीस हैं, आप उनकी हेल्प से इस ड्रेस को बना सकते हैं। मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 5x5 की ये पट्टी कट की है। यहाँ से देखिए, इस तरह से चौकोर पीस कट किए हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए 2 व्हाइट कलर के पीस कट किए हैं, एक ग्रीन, एक येलो और एक ब्लू। 5 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए, ये सीधी साइड है ग्रीन वाली, और ये इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। फिर इसको स्टिच करने के बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे, फिर ये येल्लो कलर वाला लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इसको स्टिच करेंगे, और फिर यहाँ से इसको ऐसे खोल देंगे, फिर वाइट वाला रखेंगे, और फिर इसको स्टिच करेंगे, और फिर ब्लू वाला रखेंगे। इस तरह से हम इनको सभी को स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये हमारी पट्टियाँ आपस में जुड़ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे डबल करेंगे यहाँ से इस तरह से, और डबल करने के बाद इस पूरी पट्टी पर यहाँ ओपन साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर उसका आगे बताती हूँ कैसे करना है। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम देखिए एक गोटा लेंगे इस तरह से। आप प्लेन गोटा भी ले सकते हैं, मेरे पास ये वाला था तो मैंने इसको ही यूज़ किया है। हम देखिए इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखेंगे, और इसके दोनों साइड यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। पूरी पट्टी पर इस तरह से इस गोटे को सिल लेते हैं। इस तरह से गोटा लगाने के बाद आप देखिए, जो दोनों साइडें हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, हम इसको टिश्यू टेप से लॉक करेंगे। टिश्यू रिबन लेंगे, इसको आधा नीचे रखेंगे, आधा ऊपर रखेंगे, और देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको लॉक करेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा है, इसको हम अंदर की साइड ऐसे मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से लॉक कर लेते हैं। दोनों साइडें लॉक करने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो देखिए, ऐसे हम इसको रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग 1.5 इंच की दूरी पर हम ऐसे प्लेट उठाएंगे, और इसको इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे बचाकर रखेंगे, और इस पूरी पट्टी पर हम ऐसे प्लेट्स बनाते हुए इसको सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से बनेगा ये। तो पूरी पट्टी पर सिलाई कर लेते हैं। प्लेट्स बनाने के बाद हम इसकी कमर को यहाँ से मेज़र करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ से इस तरह से 4 इंच की कमर है। तो हम एक पट्टी कट करेंगे, इससे 2 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 6 इंच की पट्टी कट की है लंबाई में, और चौड़ाई में लिया मैंने 2.25 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए ड्रेस को लेंगे उल्टी साइड से, और उल्टी साइड से लेने के बाद इस पट्टी को हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद इसके यहाँ पर ऐसे रखते हुए जाएंगे, और इस पर पूरी पट्टी पर यहाँ पर सिलाई करेंगे, और फिर इधर से इसको ऐसे मोड़ देंगे, और इसको सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पट्टी को सिलने के बाद अब हम देखिए ड्रेस को ऐसे सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद इसके अंदर अब हमें डोरी लगानी है। पहले हम इसे एक बार ऐसे मोड़ेंगे, और देखिए इसके अंदर हम यहाँ पर ऐसे डोरी रख देंगे, और डोरी रखने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये डोरी पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, देखिए ये खिंच रही है। और इस पूरी पट्टी पर ऐसे मोड़ते हुए इसको हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो स्टिच करके फिर आगे बताती हूँ आपको। अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए देखिए, ये वाइट पट्टी कट की है, इसकी लंबाई है 8 इंच, और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। अब हम इसको ऐसे डबल मोड़कर इसकी किनारी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ से टिश्यू टेप से ऐसे लॉक कर देंगे। इस तरह से इतना काम कर लेते हैं। अब इसको ऐसे मोड़कर बीच में से कट करेंगे यहाँ से इस तरह से, और कट करने के बाद यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे इधर से ऐसे वी शेप में। तो कम से कम 1 इंच की दूरी पर हम इस सिलाई को ऐसे लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है वी शेप में। अब इसको ड्रेस पर अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसको हम ऐसे इस तरह पहले इसके सेंटर पर मार्क लगाएंगे, और मार्क लगाने के बाद इसको ऐसे नीचे रखकर यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई कर देंगे। इतना काम कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए ये हमारी ड्रेस बन गई है। अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए एक पट्टी मैंने ब्लू कलर की कट की है। इसकी लंबाई ली है मैंने 7 इंच और इसकी चौड़ाई ली है यहाँ पर 2 इंच। और एक वाइट कलर की पट्टी कट की है, इसकी लंबाई ली है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। अब हम क्या करेंगे, जो ब्लू वाली पट्टी है इसको ऐसे डबल मोड़ेंगे और डबल मोड़ने के बाद इसके ऊपर ये वाइट वाली पट्टी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे पूरी पट्टी पर इधर की साइड। इतना काम कर लेते हैं। इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसे देखिए ऐसे मोड़ेंगे और इधर की साइड से इस तरह करते हुए यहाँ से मोड़कर इसको एक बार ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे जो हमने ड्रेस में लगाया था। देखिए ये गोटा है इस तरह से, तो ये थोड़ा सा चौड़ा है, मैं इसको ऐसे डबल करके लगाऊंगी। तो डबल करने के बाद इसको हम यहाँ पर देखिए ऐसे रखेंगे और इस पूरी पट्टी पर इसको स्टिच कर लेंगे। इसको लगाने के बाद अब देखिए हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और जितने हमारी कान्हा जी की सर की गोलाई है सिर्फ उतना रखेंगे हम। देखिए यहाँ से ऐसे इतना रखकर और जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ पर हम उसको कट कर देंगे। ये हमने पहले ही थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था जिससे कि छोटी ना रहे, और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इस पर यहाँ पर ऐसे एक सिलाई कर लेंगे। तो इसको सिल लेते हैं। अब ये हमारी ड्रेस बनकर के बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ये ड्रेस, अब हम इसको कान्हा जी को देखिए यहाँ से ऐसे चोली मोड़ेंगे, ऐसे पहनाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे मोड़कर इधर से मोड़ेंगे और डोरी को आपस में बांध देंगे इस तरह से। और जो ये हमारे दो पोर्शन हैं पहले हम इसको यहाँ पर ऐसे पिनअप करेंगे। यहाँ पर देखिए एक आलपिन लगा देते हैं। और फिर इस डोरी को ऐसे बांधेंगे यहाँ से। मेरे पास इतने छोटे कान्हा जी नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसको पहनाकर भी दिखा देती। इसको डोरी को हम ऐसे नीचे की साइड निकाल देंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये ड्रेस बन करके कंप्लीट हो गई है 0 और 1 नंबर की, और ये इसकी टोपी। कैसी लगी फ्रेंड्स, आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।